नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आसू और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल मिस्टर आसू टेक पर। दोस्तों, आज के टाइम में इंस्टाग्राम जो है सभी के फ़ोन में इंस्टॉल है और हर एक आदमी उस पर अपनी रील्स बना रहा है, उस पर अपनी एडिटिंग दिखा रहा है और उस पर अपनी कला दिखा रहा है, अपनी जो भी है नेतृत्व उस पर दिखा रहा है। तो उसका मतलब है एक कहीं ना कहीं वो उस ऐप से अर्निंग करना चाहते हैं, थोड़े बहुत पैसे कमाना चाहते हैं और उसमें एक अच्छे क्रिएटर बन के काम करना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको यहाँ तक आने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, बहुत सारे संघर्ष करने पड़ते हैं, काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, तब आप उस चीज़ के लिए इनिजिबल हो पाते हैं। लेकिन यहाँ तक आते आते आप पीछे कुछ गलती कर देते हैं, जैसे कि आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप वो गलती क्या करते हैं और इस गलती से आपको दो बड़े नुकसान हो सकते हैं अगर आप आगे चल के सक्सेस होते हैं तो इंस्टाग्राम पर। दोस्तों, अगर आप इंस्टाग्राम के फॉलोअर बढ़ाते हैं किसी भी थर्ड एप्लीकेशन से, किसी भी थर्ड पार्टी से या फिर कोई फेक वेबसाइट से, तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं बता दूं, अगर आप ऐसा कर रहे हैं या आपने कर लिया है वो तो आप सही नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ऐसा करना चाह रहे हैं तो बिल्कुल भी मत कीजिए। क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो सबसे बड़ी गलती यही है, आपको आगे चल के दो बहुत बड़े नुकसान हो सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आपको ये क्यों नहीं करना चाहिए। देखो, अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं तो आप उसको मेहनत से करेंगे, मेहनत से ही वो काम पूरा सफल होएगा, बिना मेहनत के वो काम नहीं हो सकता है। अगर आप अपनी सक्सेसफुल का शॉर्टकट रास्ता ढूंढ रहे हैं तो बिल्कुल भी ऐसा सही नहीं है। आप किसी भी बड़े आदमी को उठा लीजिए, किसी भी बड़े क्रिएटर को उठा लीजिए, सोशल मीडिया पर से किसी को भी आप देख लीजिए कि इस बंदे की सक्सेसफुल के पीछे क्या है, या किसी थर्ड पार्टी ने उसको हाथ दिया कि आ जाओ हम आपको खींचेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेहनत किए हैं उन्होंने, जैसे भी उनके सामने परिस्थिति आई हर एक चीज़ को उन्होंने झेला। लेकिन आप गलती कर देते हैं अपने फेक फॉलोअर बढ़ा करके, सिर्फ अपनी पॉपुलरिटी दिखाने के लिए, लड़कियों को दिखाने के लिए, राइट मैं ये बता रहा हूँ, लड़कियों को दिखाने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए कि हमारे पास इतने फॉलोअर हैं, हमारे पास इतने, लेकिन किस काम के? आपके टैलेंट से वो चीज़ नहीं आई आपके पास। जो चीज़ आपके टैलेंट से आती है वही चीज़ आपको आगे तक सपोर्ट करती है, वही चीज़ आपको लाइक्स कमेंट्स शेयर सब कुछ करती है, उसी चीज़ से आपको फ़ायदा होता है जो कि आपकी मेहनत से आई हुई होती है। ऐसा नहीं है कि आपने थर्ड पार्टी से उसको एक बग बोल सकते हैं। अब बग क्या होता है? बग एक बहुत सारा इकट्ठा होता है, कचरा बहुत सारा। एक उदाहरण दे रहा हूँ, एक कचरा होता है, कचरे को उठा के ला के थर्ड वेबसाइट आपके ऊपर डाल देती है कि ये लो तुम्हारा कचरा, ये पड़ा इतने पैसे का, ये पड़ा इतने फ्री में, ये पड़ा। लेकिन आपकी प्रोफाइल कहीं दूसरा आदमी भी के लिए यूज़ करते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने फॉलोअर बढ़ाए, बहुत सारे यूज़र उस पर आ गए, वो यूज़र कभी भी एक तो एक्टिव नहीं होंगे। जो यूज़र आपके प्रोफाइल में फॉलोअर बन के लिए आए हैं वो एक्टिव यूज़र कभी नहीं होते हैं, वो सिर्फ फेक यूज़र होते हैं जो कि अपना प्रोफाइल बना करके छोड़ देते हैं, उसको यूज़ नहीं करते हैं। इंस्टाग्राम बहुत बड़ी एक एप्लीकेशन है जो कि लगभग सभी जगहों पर और सभी लोगों के फ़ोन में वो इंस्टॉल रहती है, तो बहुत से उसको यूज़ नहीं करते हैं, तो उनके अकाउंट को ये थर्ड पार्टी वाले यूज़ करते हैं आप जैसे लोगों के लिए, जब आप उसको अपने फेक फॉलोअर बढ़ाते हैं तो वो एक कचरा हो गया आपकी प्रोफाइल पर। अब जब मान लीजिए कि आप मेहनत करके आए, आपने अपनी क्रिएटिविटी दिखाई और लोगों को पसंद आई, आपने टैलेंट से आपने कुछ एक्टिव यूज़र को अपनी तरफ आकर्षित किया, अब आप सबसे पहले आप वेरिफिकेशन करते हैं अपने बैज का। तो दोस्तों, जब आप अपने बैज का वेरिफिकेशन करते हैं तो कैंसिल हो जाते हैं। वजह क्या है कि आपने अपने फ्यूचर में अपने पास्ट में जाइए, अपने फ्लैशबैक में जाइए, आपने किया क्या था भाई? कुछ फॉलोअर्स के लिए आपने थर्ड पार्टी का यूज़ किया था, वो कचरा अभी भी जमा पड़ा है आपकी प्रोफाइल में, बग जिसको बोलते हैं, बग कचरा अभी भी पड़ा है। जब आपकी प्रोफाइल का रिव्यू करती है ब्लूटूथ देने के लिए इंस्टाग्राम की टीम, तो ये सभी चीज़ को वो अच्छे से देखती है, अगर थोड़ी सी भी उसमें गलती आती है तो आपको कभी भी बैज नहीं मिलेगा, ये बात हमेशा ध्यान रखिए। अगर आप कुछ बनना चाहते हैं, आगे चलकर कुछ करना चाहते हैं, तो इंस्टाग्राम पर ऐसा काम बिल्कुल मत कीजिए, ये बिल्कुल सरासर गलत है। आप माथा पकड़ के रोएंगे, आपकी सारी मेहनत खराब हो जाएगी, साल दो साल की बड़ी मुश्किल से तो आप यहाँ तक पहुँचे और वो रिजेक्ट कर देगा आपको, कितना बुरा लगेगा, कितना दिल को दुख होएगा, आप समझ सकते हैं उस चीज़ को, क्योंकि आप उस चीज़ के लिए मेहनत कर रहे हैं। तो सबसे पहला आपको बड़ा नुकसान यही होने वाला है कि आप जब वेरिफिकेशन करेंगे तो बिल्कुल कैंसिल हो जाएगा। अपने टैलेंट से कीजिए, अपने टैलेंट से आप पब्लिक को अपनी तरफ अट्रैक्टिव कीजिए। नंबर दो की बात करें तो अब आप रील्स बना रहे हैं, मान लीजिए
रील्स बनाते हैं तो उसमें मोनेटाइज के लिए आपको अपना मोनेटाइज कराना पड़ता है अकाउंट, ठीक है। मोनेटाइज कराते वक्त जब आप मोनेटाइज कराएंगे, ठीक है, आपने रील्स बना लिया, आप वायरल भी हो रहे हैं, लेकिन अब आपको मोनेटाइज के लिए अप्लाई करना है, आप उसके क्राइटेरिया को पूरा कर चुके हैं। अब बात करते हैं आपका रिव्यू, जब आपको मोनेटाइज हो रहा है तो अब आपकी प्रोफाइल का एक दोबारा फिर से रिव्यू होएगा। प्रोफाइल को मोनेटाइज कराने के लिए एक बार फिर से आपका रिव्यू होएगा। अब रिव्यू जब हो रहा है आपका तो टीम उसको फिर रिजेक्ट करेगी। रिजेक्ट की कारण क्या है, आपने फिर से वही अपने फ्लैशबैक में जाइए, अपने पास्ट में जाइए, आपने किया क्या था, आपने बग खरीदा था जो कि कचरा है, अभी भी जमा पड़ा है आपकी प्रोफाइल में, उसका क्या करेंगे, उसको वहीं पे छोड़ देंगे, आपकी प्रोफाइल को रिजेक्ट कर देंगे, ये बोल करके कि आपने थर्ड पार्टी का यूज़ किया है, आप उसके एलिजिबल नहीं हो सकते। आप अपने टैलेंट से पब्लिक को अपनी तरफ अट्रैक्टिव कीजिए, अपना प्योर टैलेंट से आप हमारे साथ हमारे पार्टनरशिप बन सकते हैं, हमारे पार्टनर प्रोग्राम का एक मेंबर बन सकते हैं। तो ये चीज़ यूट्यूब पर भी होती है और ये चीज़ जहाँ कहीं भी मोनेटाइज का सिस्टम है तो वहाँ पर ये चीज़ होती है। कोई भी मालिक नहीं चाहेगा कि हमारा जो वर्कर है, एक उदाहरण दे रहा हूँ, कोई भी मालिक नहीं चाहेगा कि हमारा जो वर्कर है वो कभी गंदा दिखे, अच्छा ही बोलेगा ना कि हाँ उसको अच्छा दिखे और अपनी मेहनत से काम करे और आगे चल के कुछ अपना नाम कमाए। दोस्तों वीडियो तो आपको बहुत मिल जाती है कि ये बढ़ा लो वे बढ़ा लो, लेकिन उसमें कोई उसमें सिर्फ वो अपने फायदे का सोचते हैं, वो सोचते हैं कि हमें लाइक्स आए, कमेंट्स आए, व्यूज़ आए और सब्सक्राइबर आए, लेकिन दोस्तों कोई आपको अच्छी बात नहीं बताएगा। अच्छी बात बताने वाले आपको सिर्फ यूट्यूब पर 10% लोग ही मिलेंगे और पब्लिक उनकी तरफ अट्रैक्टिव नहीं होती है क्योंकि उनको जल्दी खाना है, जल्दी खाना है, और जल्दी खाने के चक्कर चक्कर में पेट खराब हो ही जाता है। ये बात आप हमेशा ध्यान रखना, जब कभी भी आप कहीं से नॉलेज लो तो सही नॉलेज लो ताकि आप दूसरे के सामने बोल सको कि हाँ हमने ये किया है, गर्व से किया है और हम ये कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे और बहुत ही अच्छे से जान गए होंगे। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही हेल्पफुल ट्रिक और बहुत सारी बातें ऐसे बताता रहता हूँ और टैक्स से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ आपको फिर किसी ऐसी नई अन्य वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, अपने घर परिवार के साथ सुरक्षित रहिए। तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत।